नमस्कार दोस्तों, कैपेसिटी में आप सभी स्वागत करता हूं। दोस्तों देख सकते हैं मारुति सुजुकी कंपनी की तरफ से दोस्तों 1000+ पदों पर भर्ती निकाली गई है, जिसमें दोस्तों आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जैसे कि यहां पर लिखा है आज ही करें आवेदन, तो आज ही दोस्तों आप आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि इसका लिंक का कोई भरोसा नहीं होता दोस्तों, कब बंद हो जाए कब ओपन हो जाए। जैसे कि कल देखा तो दोस्तों ईपी और बिहार के लिए दोस्तों TW का लिंक ओपन था, तो मैंने सोचा कि आप लोग को रात को जो है वो लिंक शेयर कर दूंगा। लेकिन उससे पहले दोस्तों देख रहा हूँ कि फिर से कॉलेज हो चुका है, इसलिए मैं फिर से जो है आप लोग को लिंक शेयर नहीं कर पाया। लेकिन आप जैसे ही लिंक ओपन होगा मैं तुरंत ही शेयर कर दूंगा, ठीक है ना। अभी फिलहाल जो इसमें अप्लाई करना चाहते हैं ध्यान से वीडियो को देखिए, लिखा हुआ है कि फ्री आपको दिया जाएगा और इसमें नहीं कोई एग्ज़ाम होगा। लेकिन दोस्तों एग्ज़ाम होने वाला है, एग्ज़ाम भी होगा और इंटरव्यू होगा, दोनों आपका होगा दोस्तों। लेकिन दोनों आप आराम से क्वालिफाई कर जाएंगे, आप वीडियो को सिर्फ लास्ट तक देखते रहे, ठीक है। यहाँ पर देखिए जैसे मारुति सुजुकी कंपनी की तरफ से भर्ती निकल गई है, जो 10th के साथ ITI कंप्लीट कर लिए हैं वही केवल इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे दे दिए गए जो सैलरी आपको मिलने वाला दोस्तों 17,800 रुपया, तो दोस्तों अभी 17,800 रुपया पहले दिया जाता था, अभी दोस्तों आपको लगभग 20,000 तक सैलरी मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। 18 से 20,000 तक सैलरी अप्रेंटिस वालों को दोस्तों मारुति सुजुकी प्रोवाइड कर रही है। उसके साथ जो भी फैसिलिटी हुआ सारे फैसिलिटी भी आपको मिलने वाला है, कैंटीन बस, ठीक है ना, PF छोड़ के। यहाँ पर देखिए अप्रेंटिसशिप के लिए भर्ती निकाली गई है, जो मानेसर गुड़गांव प्लांट में ये भर्ती निकाला गया है। तो दो प्लांट है दोस्तों, एक मानेसर में प्लांट है और गुड़गांव में प्लांट है, तो दोनों प्लांट में मिलकर भर्ती निकाला गया है। तो बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी निकल के आ चुका है दोस्तों, क्योंकि बहुत दिनों के बाद अप्रेंटिसशिप के लिए ये भर्ती निकाली है। और एक चीज़ मैं बता दूँ, लास्ट जो है ना 5 ईयर वाले ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। लास्ट 5 ईयर वाला ही इसका कंडीशन रहता है कि लास्ट 5 ईयर वाले ही इसमें अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं अप्लाई करके, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप लोग दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। देखिए आप वीडियो को शेयर करेंगे तो उससे क्या होगा, कोई ज़रूरतमंद बंदा है जो अप्रेंटिसशिप करना चाहता है या जॉब ढूंढ रहे हैं, तो उनको दोस्तों फिलहाल मारुति सुजुकी में अप्रेंटिसशिप मिल जाएगा, उसके साथ वो जॉब भी कर सकते हैं। क्योंकि आप किसी भी कंपनी में जॉब करेंगे ना, फिर भी दोस्तों आपको 18 से 20,000 तक सैलरी नहीं मिलेगा 8 घंटे 26 दिन ड्यूटी में, जो आपको मारुति सुजुकी में अप्रेंटिसशिप के टाइम ही दिया जा रहा है। जैसे आपको इसमें अप्रेंटिसशिप कंप्लीट हो जाएगा ना, उसके बाद दोस्तों इसमें जो है आपको TW1 और TW2 के लिए दोस्तों बुलाई जाती है, मतलब और भी 7-7, 14 महीने कर सकते हैं, जिसमें आपको 30,500 पर मंथ सैलरी मिल जाता है दोस्तों 8 घंटे 26 दिन में, ठीक है ना। तो ये फैसिलिटी हो दोस्तों, उसके बाद इसमें परमानेंट होने का भी मौका मिलेगा। जैसे कि दोस्तों इस बार ऑलरेडी परमानेंट का डेट आ चुका है, जो सिटी टेस्ट होता है एक दोस्तों, जो 17 और 18 फरवरी को सिटी टेस्ट होने वाला, वो जो सिटी टेस्ट क्वालिफाई करेंगे दोस्तों उनको दोस्तों मारुति सुजुकी में परमानेंट कर दिया जाएगा। परमानेंट अगर हो गया दोस्तों तो लगभग 70 से 80 हज़ार स्टार्टिंग सैलरी होता है, मतलब आप लाखों में 2-3 साल काम करेंगे तो लाखों में पहुंच जाएंगे दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन करके रखिएगा, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो डालूंगा तो सबसे पहले आप लोग पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। मारुति संबंधित जितने भी जानकारी होती है दोस्तों, सारी जानकारी सबसे पहले दोस्तों मेरे चैनल पर दिया जाता है, आप जाके मेरे चैनल पर देख सकते हैं, ठीक है ना। बहुत सारा वीडियो आपको मारुति के बारे में मिल जाएगा। कोई कैंडिडेट अगर मारुति में नहीं जॉब करना चाहते हैं, मारुति से अप्रेंटिसशिप अगर नहीं करना चाहते हैं, अदर कंपनी में अगर आपको अप्रेंटिसशिप करना है, जैसे कि टाटा मोटर्स हो गया, लखनऊ में प्लांट है, गुजरात में है और जमशेदपुर झारखंड में है, तो इन सब जगहों पर भी मैं करवा दूंगा। उसके अलावा दोस्तों कोई अगर जॉब करना चाहते हैं तो जॉब भी मैं दिला दूंगा दोस्तों, ठीक है ना। उसके लिए आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं, सिर्फ आप लोग मेरे चैनल से बने रहिएगा। जिनको जॉब चाहिए या जिनको अप्रेंटिसशिप करना है तो उनको क्या करना है ध्यान से सुनिए, मेरा जो है व्हाट्सअप नंबर जो है आपको डिस्क्रिप्शन में हमेशा मिल जाएगा दोस्तों। व्हाट्सअप नंबर निकाल कर दोस्तों आप जाके मैसेज कर दीजिएगा, जिस भी कंपनी में आपको दोस्तों जॉब करना होगा या दोस्तों अप्रेंटिसशिप करना होगा। लेकिन बहुत सारा कंपनी का वीडियो बना हुआ है मेरे चैनल पे, जाके पहले देख लीजिएगा, उसके बाद ही मैसेज कीजिएगा, तभी जाके मैं करवा सकता हूँ। आधी उधरी वीडियो देख के मत कीजिएगा, नहीं तो रिप्लाई वगैरह नहीं मिलेगा। चलिए फिलहाल हम लोग चलते हैं मारुति सुजुकी कंपनी के ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे, और नोटिफिकेशन को दोस्तों हम लोग पूरा डिटेल में जानेंगे कि इसमें क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, ठीक है। देखिए हम लोग मारुति सुजुकी के ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर आ चुके हैं। यहाँ पे कंपनी नाम दे दिएगा मारुति सुजुकी मोटर पावर लिमिटेड कंपनी, जो यहाँ पे लोकेशन भी दे दिएगा, जो मानेसर में एक प्लांट है और गुड़गांव में प्लांट है, जो हरियाणा स्टेट में आता है दोस्तों। हरियाणा स्टेट में दोस्तों और एक प्लांट ऑलरेडी जो बन के तैयार हो चुका है, तो 2025 में दोस्तों वो प्लांट स्टार्ट होने वाला है या 2024 के लास्ट में स्टार्ट होने वाला है, उसमें बहुत ही ज़्यादा भर्ती होने वाला है। उसमें अगर भर्ती होगा तो बहुत ही ज़्यादा परमानेंट भी होने वाला है, ठीक है। तो इस मौके का आप लोगों को छोड़ना नहीं चाहिए, अगर इस मौके का आप लोगों को अटेंड करना तो फिर आपको इससे अप्रेंटिसशिप करना ही पड़ेगा, या आप TW1 कर सकते हैं या TW2 कर सकते हैं, तभी आपको यह मौका मिलेगा। जैसे कि अबाउट कंपनी, यहाँ पे कंपनी के बारे में जानकारी दिया हुआ है, तो आप किसी भी कंपनी में जॉब करने के लिए जाएंगे, लेकिन सबसे पहले कंपनी के बारे में पूरी जानकारी आप लोगों को ले लेना चाहिए, तभी आपको इसमें जॉब करने के लिए जाना चाहिए, ताकि वहाँ पर जाने के बाद आपको दिक्कत ना हो। नहीं तो बहुत सारे कैंडिडेट क्या करते हैं, वहाँ पर चले जाते हैं जॉब करने के लिए, फिर 15-20 दिन कर लेते हैं, फिर वापस घूम के चले आते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे
दे देगा। मारुति सुजुकी अप्रेंटिसशिप रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन क्या आपका होना चाहिए, 10th के साथ दोस्तों आपका आईटी कंप्लीट होना चाहिए, ओनली गवर्नमेंट कॉलेज से आपका आईटी होना चाहिए, तभी आप इसमें जो दोस्तों अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं। आप अगर प्राइवेट कॉलेज से आईटी किए हैं ना तो फिर आपको इसमें नहीं लिया जाएगा दोस्तों, आप टाटा मोटर्स से कर सकते हैं। टाटा मोटर्स में मैं करवा दूंगा दोस्तों, ओनली 1000 रुपया मैं लेता हूँ, ठीक है ना, और टाटा मोटर्स में मैं आपको अप्रेंटिसशिप करवा देता हूँ। इसमें से भी दोस्तों मैं पहले आपसे 500 रुपया लेता हूँ, फिर ज्वाइनिंग के बाद 500 लेता हूँ। तो कोई भी अगर टाटा मोटर्स से अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर जाके मैसेज कीजिएगा दोस्तों, आपको मिल जाएगा। 3 लोकेशन पर मैं करवा सकता हूँ, जो जमशेदपुर झारखंड में, लखनऊ में, और दोस्तों आपका हो गया गुजरात में, इन तीन लोकेशन पर मैं टाटा मोटर्स में करवा सकता हूँ। अप्रेंटिस करना है तो अप्रेंटिस करवा दूंगा, जॉब करना है तो जॉब करवा दूंगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मारुति सुजुकी अप्रेंटिसशिप रिक्वायरमेंट आईटी ट्रेड, आप क्या क्या ट्रेड होना चाहिए जिससे आप इससे अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे दे दिएगा फीटर, वेल्डर, पेंटर, जनरल, इलेक्ट्रीशियन, टर्नर, डीजल मैकेनिक, मशीनिस्ट, टूल एंड डाई मेकर, मोटर मैकेनिक, व्हीकल, ट्रैक्टर मैकेनिक एंड जस्ट अदर रिलेवेंट ट्रेड एज पर कंपनी रिक्वायर्ड। इससे भी ज़्यादा ट्रेड वहाँ पे दिया हो रहा था दोस्तों, जिससे आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे वहाँ पे दोस्तों ट्रेड दिखाई देगा, ट्रेड पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे ट्रेड बहुत सारा आ जाएगा। तो जो जो ट्रेड होगा दोस्तों उसी ट्रेड के स्टूडेंट इसमें अप्लाई करके जॉब पा सकते हैं। आप देखिए यहाँ पे बोलेंगे कि 2023 लिखा हुआ है, तो देखिए मैं 2023 में ये जो है दोस्तों नोटिफिकेशन लिख चुका था आर्टिकल, तो उसी आर्टिकल पे मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि कंडीशन सेम रहता है, सिर्फ लिंक जो है दोस्तों ओपन कभी होता है कभी नहीं होता है। तो अभी लिंक ओपन है, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा, तो इससे आप लोग माइंड मत लीजिएगा, ठीक है, कि 2023 का आप नोटिफिकेशन बता रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। नोटिफिकेशन सेम रहता है, सिस्टम सेम रहता है, सिर्फ लिंक ओपन और क्लोज हो जाता है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ कि जैसे कि यहाँ पर लास्ट 5 ईयर टू करंट ईयर, ठीक है, लास्ट 5 ईयर एंड करंट ईयर से आप इसमें अप्लाई करके जॉब पा सकते हैं। जैसे कि मैं पहले आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, एज लिमिट की बात कर लेते हैं, तो एज लिमिट 18 से 23 साल जिनका है, ऑन द डे ज्वाइनिंग ऑफ द, मतलब जिस दिन आप ज्वाइनिंग करेंगे ज्वाइनिंग टाइम तक आपका 23 साल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अभी आपका 23 साल हो रहा है, ज्वाइनिंग टाइम तक मान के चलो 23 साल, 1 महीने हो गया, 2 महीने हो गया, तो फिर आपका ज्वाइनिंग वगैरह नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सैलरी वगैरह क्या मिलने वाला, ध्यान से यहाँ पे देख लीजिए, 18,000 रुपये पर मंथ आपको इसमें सैलरी मिल जाएगा। उसके साथ बेनिफिट्स जो मिलता है, कैंटीन, बस, यूनिफॉर्म, मेडिकल फैसिलिटीज, सब्साइड रेट पर आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो ये सब दोस्तों मान के चलो सब फ्री ही है, 2-4 रुपया करके काटा जाता है, ज़्यादा पैसे इससे आपसे नहीं लिया जाता, ठीक है। पोजिशन जॉब कराने वाला अप्रेंटिसशिप के लिए दोस्तों इसमें आपको लिया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए जो मारुति सुजुकी अप्रेंटिस है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला, तो सिलेक्शन प्रोसेस को ध्यान से समझ लीजिए। ऑनलाइन टेस्ट होगा जिसमें टेक्निकल एप्टीट्यूड एंड बिहेवियर से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो टेक्निकल एप्टीट्यूड एंड बिहेवियर से दोस्तों मैं ऑलरेडी क्वेश्चन पेपर का वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, 2 वीडियो आपको मिल जाएगा। टोटल 50 क्वेश्चन पूछा जाता है, सेम टू सेम वही क्वेश्चन आने वाला है, रट के जाइएगा, एक भी क्वेश्चन इधर का उधर नहीं होने वाला है। पर्सनल इंटरव्यू होगा, एचआर और टेक्निकल, इसका भी 2 वीडियो आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में जाके देख लीजिएगा। कुल मिला के 4 वीडियो को अगर देख लेते तो आराम से आप दोस्तों इसमें रिटर्न टेस्ट और इंटरव्यू क्वालिफाई कर जाएंगे। अटेंडेंट वेरिफिकेशन दोस्तों इसमें आपका होने वाला है, पर एम्प्लॉयमेंट मेडिकल चेकअप होने वाला दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कलर ब्लाइंड कैंडिडेट आर नॉट अलाउड, जिनके आँखों में कम दिखाई पड़ता है, प्रॉब्लम है, ठीक है ना, अगर चश्मे वगैरह आप लगाते हैं आपको अगर सही से दिखाई देता है तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपको अगर चश्मे लगाने के बाद भी नहीं दिखाई देता, आप अगर चश्मा नहीं लगाए हैं, आपको ऐसे भी नहीं दिखाई देता, तो फिर भी आपको इसमें अप्लाई करके कोई फ़ायदा नहीं है। देखिए इसमें आपका ऑनलाइन टेस्ट इंटरव्यू दोनों हो जाएगा, ज्वाइनिंग के लिए भी दोस्तों आपके पास कॉल मैसेज आ जाएगा, लेकिन जब वहाँ पे जाएंगे वहाँ पे जब आपको मेडिकल चेकअप होगा ना दोस्तों, वहाँ यहीं पे आपको हटा दिया जाएगा। तो क्या फ़ायदा होगा आपका, एग्जाम देने के लिए जाएंगे खर्चा होगा, फिर ज्वाइनिंग के लिए वहाँ पर जाएंगे वो भी खर्चा होगा, टाइम बर्बाद होगा, ठीक है, हम परेशान होंगे, बहुत कुछ होने वाला है। इसलिए मैं पहले ही बता देता हूँ कि करने का जरूरत नहीं है, ज्वाइनिंग ऑन बोर्डिंग द्वारा आपका होने वाला है। जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है कि रजिस्ट्रेशन अप्रेंटिसशिप पोर्टल, ठीक है ना, इंट्रोडक्शन एंड ट्रेनिंग के लिए आपको लिया जाएगा। तो इसका जो अप्लाई का लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है, डॉक्यूमेंट इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, क्योंकि अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है ना सब कुछ सही, तो फिर आपको इसमें ज्वाइनिंग नहीं होगा, कुछ भी कर लीजिए। जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, 10th का मार्कशीट, आई का मार्कशीट, सर्टिफिकेट, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, इन सभी को यहाँ पे TW नहीं दोस्तों, यहाँ पे अप्रेंटिसशिप मान के चलिए, या TW के लिए या CW के लिए, किसी भी के लिए भी आप अप्लाई कर रहे हैं तो सभी के लिए दोस्तों अप्लाई करने के टाइम ये सारे डॉक्यूमेंट आपके साथ रखना चाहिए। और PDF और JPG फाइल आपको अपलोड करना पड़ेगा डॉक्यूमेंट का, वहाँ पर बताया जाएगा जब आप अप्लाई करेंगे तब कि ये सब आप अपलोड करिए, तो वहाँ पर अपलोड कर दीजिएगा, आपका फाइनली सबमिट हो जाएगा दोस्तों। फॉर्म को सही से भरिएगा, फॉर्म को भरने से पहले यहाँ पे जितने भी डॉक्यूमेंट बताया गया है, ठीक है, ध्यान से सुनिए, जितने भी डॉक्यूमेंट बताया गया ये 10th के मार्कशीट के हिसाब से होना चाहिए। जैसे कि आपका नेम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, फादर्स नेम, एक भी अक्षर का भी गलत नहीं होना चाहिए। अगर एक भी अक्षर का गलत है, स्पेलिंग वगैरह, तो फिर उसे सही करवा लीजिएगा, फिर अप्लाई कीजिएगा।
नहीं तो दोस्तों कभी भी आपका इसमें सिलेक्शन नहीं होगा। मैं पहले आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ पे जैसे लिखा हुआ रजिस्ट्रेशन लिंक, तो रजिस्ट्रेशन लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा, वहाँ से जाकर दोस्तों आराम से रजिस्ट्रेशन कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। अभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों पर अपने रिश्तेदार पर शेयर कर दीजिए दोस्तों, ताकि कोई भी कैंडिडेट अगर मारुति सुजुकी में जॉब करना चाहते हैं या अदर किसी भी कंपनी में जॉब करना चाहते हैं, वो जॉब ढूंढ रहे हैं, उनको जॉब नहीं मिल रहा है, तो KPS ITI चैनल से बने रहने के लिए बोले उनको 100% जॉब मिल जाएगा दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। तो चलो दोस्तों फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के थैंक यू, जय दोस्तों।